ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से हैदराबाद में 3 दिन का यहाँ पर वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें मुल्क भर से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें गुलबर्गा शहर से जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का क्या यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या मैसेज यहाँ पर तमाम मिल्ली काउंसिल के ज़िम्मेदारों को दिया गया, क्या सेशंस यहाँ पर हुए, किस तरह से यहाँ पर डिस्कशंस हुआ और क्या मिल्ली काउंसिल आने वाले दिनों में मुल्क मुसलमानों के लिए इंतजाम और जिम्मेदारी अदा करने वाली हैं। तो डॉक्टर असगर चुलबुल साहब, जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, लगातार 3 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके ज़रिए क्या मैसेज आप आवाम को देना चाहेंगे? जी देखिए, यहाँ पर जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जो जिम्मेदारान थे और इसके तहत जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं यानी शोबेजात हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप रखा गया था और ख़ासकर जो मुख्तलिफ रियासतों से जो ताल्लुक़ रखते हैं एक्सपर्ट्स, उनको यहाँ पर मदु किया गया था, उनके साथ डायलाग किया गया उनसे और मशवरे तलब किए गए कि मौजूदा जो सूरतेहाल है, मुल्क की जो मजमूई सूरतेहाल है, उस पर गौर व फिक्र किया जाए और लाए अमल बनाया जाए। यूँ तो मुसलसिल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल काम करते आ रही है, माजी में भी आपने देखा कि अगर इसका तारीख को अगर देखेंगे तो टाडा जैसे क़ानून को मनसूख कराने में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बहुत पेश रफ्त रही, और उसी तरह से मरकज़ में माइनॉरिटी वेलफेयर का जो वजारत का जो वजारत थी उसको बनवाने में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बहुत अहम रोल अदा किया। उसी के तर्ज पर तमाम रियासतों में एक अलहदा से अखिलती बहबूद यानी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको बनवाया गया, और साथ ही साथ कई एक आसाम में हमारे वहाँ पर जो रियासती सदर हैं अब्दुल रशीद चौधरी साहब, सिटीज़नशिप को लेकर के वो हाईकोर्ट एडवोकेट थे, हुकूमती सतह पर बहुत वहाँ पर वो काम किए हैं, और साथ ही साथ जो आसाम में जो मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया और उन्हें बेघर किया गया, उस ताल्लुक़ से भी हाई कोर्ट्स में कई एक रिट पिटीशन डाल करके वहाँ पर काम किया गया। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और मुल्क की कई दिगर रियासतें हैं, जहाँ जहाँ पर भी हालात ऐसे बनते गए जहाँ मुसलमानों को एक ज़रूरत महसूस हुई कि क्या आगे की पॉलिसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उस पर भी वो गौर किया। तो आज यहाँ पर मेरा जो डिपार्टमेंट था, मेरा जो पॉलिटिकल अफेयर्स जो सेक्रेटरी, उसके तहत यहाँ पर भी वर्कशॉप रखा गया था। यूँ तो मैं मुख्तलिफ कमेटियों में हूँ, जैसे खिदमत खल्क है और मीडिया डिपार्टमेंट है और दिगर जो डिपार्टमेंट्स में, उसमें भी मैं मेंबर हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ी ही मसरत हुई कि जो मेरा जो डिपार्टमेंट था उसमें कई एक मुल्क से एक्सपर्ट्स वहाँ पर आए थे, और ख़ासकर हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब, और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जो कौमी नायब सदर हैं अनिसुर रहमान साहब, और शाह मुस्तफ़ा रिफाई जलानी साहब जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। इनके अलावा ऑनलाइन से निज़ामुद्दीन शेख साहब और दीगर हजरात ने भी जुड़कर अपनी बात को रखी। तो यहाँ पर अब जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन, जो क्राइसिस है मुल्क में जो चल रहे हैं, मुसलमानों को इन हालात में क्या करना चाहिए, कुल मिलाकर यहाँ यही बात निकल कर आई कि अब मुसलमानों को किसी पार्टी से मुंसलिक होकर अपने आप को पेश करना नहीं है। जो भी फ़िरका परस्त ताकतों को हराने की सकत रखता है, क़ुव्वत रखता है, उनके साथ जाएं, अपने आप को एक पार्टी से जोड़कर एक महदूद रख करके हमको अपना आगे का मुस्तकबिल बनाना नहीं है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर अभी तेलंगाना की बात की गई, यहाँ पर KCR जो बहुत अच्छा यहाँ के चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, उसी तरीके से तमिलनाडु में हैं और केरला में हैं और मुल्क वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं, ये यहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं, इन लोगों को और मजबूत करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जहाँ पर हमने जिनको वोट दिया है और जिनको हमने उम्मीद उनसे लगाई थी कि ये कुछ करेंगे, तो ये उस पर काम नहीं करे हैं, उन पर भी गौर खोज किया गया। और जो एक मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, जो दो फेज़ में इलेक्शन जो मुल्क में 12 2022 और 2023 में
जो असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनके लिए दो फेज पर उसको डिवाइड किया गया है। पहले मरहले में जो 2009 के अंदर जितने भी स्टेट, 7 स्टेट आ रहे हैं जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, मेघालय शामिल है, गुजरात शामिल है, ये स्टेट को पहले मरहले में लिया जाए, वहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाए। फिर उसके बाद 2009 के बाद जो इलेक्शंस आ रहे हैं असेंबली इलेक्शंस जिसमें राजस्थान वगैरह दीगर रियासतें शामिल हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाए और वहाँ पर भी जा कर के बाज़ाब्ता काम किया जाए। तो कुल मिलाकर बहुत ही अहम जो मौजूद थे, इश्यूज़ थे जिस पर यहाँ अलीना मिल्ली काउंसिल में जो सियासी शोबे उमूर है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, उस पर बात की गई। चुलबुल साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिल्ली काउंसिल की तरफ से तमाम ये अहम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन मिल्ली काउंसिल का क्या किरदार मुल्क के मुसलमानों के लिए रहा है? क्योंकि जहाँ तक आप भी जानते होंगे कि मिल्ली काउंसिल एक तंजीम तो है, लेकिन इस तंजीम से ऐसे कोई कारनामे नज़र नहीं आते कि जिससे कौम के लोग आने वाले इलेक्शन में, इंतखाबात में आपकी बात सुने, आपकी बात सुनकर आपके बताए हुए कैंडिडेट्स को वो सपोर्ट करें, ऐसा तो माहौल नज़र नहीं आ रहा। फिर किस तरह से आप कौम को बेनिफिट दे सकते हैं, उन बेहतर कैंडिडेट्स को आगे ला सकते हैं? नहीं, ये और बात है कि इसकी ज़्यादा तशहीर नहीं हुई अलीना मिल्ली काउंसिल की, लेकिन माजी में आप जितने भी असम्बली इंतखाबात ख़ासकर शुमाल में आप देखिए, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो और दीगर जो मुख्तलिफ़ रियासतें हैं मुल्क की, वहाँ पर आप उड़ीसा हो, आप देखिए कि वहाँ पर झारखंड हो, वहाँ पर अलीना मिल्ली काउंसिल ने बहुत सरगर्म होकर के काम किया है और फ़िरका परस्त ताकतों को आने से हर वो इड़ी चोटी का जोर लगाया और मुहिम चलाई वहाँ पर। इसकी आपको इसके कई एक उदाहरण भी मिलते हैं, शवायद भी मिलते हैं, लेकिन जब जुनूब में जब बात आती है तो यहाँ कर्नाटक में भी बहुत सरगर्म ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल काम कर रही है। बड़ा ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ ये मिल्ली काउंसिल के तहत जो काम हो रहे हैं वो आवाम तक सही तौर से पहुँच सकें, तो हम ये भी काम इसको सोशल मीडिया के ज़रिए और दिगर जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके लिए भी एक अलहदा से हम सेल बना रहे हैं ताकि लोग और नौजवान इसमें जुड़ते जाएं और एक जो अच्छा तालमेल अलीना मिल्ली काउंसिल के जानिब से लोगों के साथ रहे। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बात की गई आने वाले इंतखाबात में जो है मिल्ली काउंसिल का जो रोल अदा किया जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखकर सपोर्ट करेंगे या फिर उन कैंडिडेट्स को देखकर आप जो है ना सपोर्ट करेंगे जो वाकई में हकीकी मिल्लत के लिए वह काम करते हैं? कभी भी ऐसा देखा जाता है कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो सेकुलर पार्टीज़ अपने आप को कहते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं, खुद मुस्लिम लीडर ऐसे हैं जो मिल्ली इश्यूज़ पर काम करने के लिए सामने आगे नहीं आते, क्या उन लोगों को आप सपोर्ट करेंगे, क्या किस तरह से आपने इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है? देखिए, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तो राष्ट्र तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन जिस तरीके से हमारा जो दस्तूर है, हमारे जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जो पॉलिसीज़ हैं वो जमातों को सपोर्ट करती हैं, अफराद को सपोर्ट करती हैं, तो इस सिलसिले में माजी का जो हमारे सामने जो तजुर्बा है उसको देख करके, आगे देख करके हम यही आज डिसाइड किए हैं कि जो बीजेपी को हरा सकता है, जो फ़िरका परस्त ताकतों को इख्तदार से दूर रह सकता है, उनके साथ हमको जाना चाहिए। हमको पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, एमआईएम और जो दिगर जो आम आदमी हैं वो आ रही हैं कर्नाटक में, उनको देखना नहीं है। हमको हर हलके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये देखना है कि कौन मिल्लत का हकीकी रहनुमा है और कौन काम कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हालात आप देख रहे हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि और ये हालात और क्रिटिकल होते जाएंगे, संगीन होते जाएंगे। तो इन हालात में हम सब ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल यही चाह रही है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस हलके में जो मजबूती के साथ टिका हुआ है, मिल्लत के साथ जुड़ा हुआ है, अवामी मसाइल लेकर के काम कर रहा है, उसका साथ देगी और उसको जिताने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश करेगी। ये जो आप जो बात कर रहे हैं पार्टी बेस की, ये पहले हुआ करती थी लेकिन इससे ऊपर उठ करके ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, यानी कि इस बार आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि उन कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट करेंगे जो मिल्लत के लिए काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, आज उसी पर डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पार्टी बेस
विदेश जाने की बात की, लेकिन बहुत सारे अक्सरियत यही थी कि रीजनल पार्टीज में वो क़ुव्वत है, वो ताकत है, अच्छे जहन रखने वाले हैं, मिल्लत के मसाइल को समझने वाले हैं, उन रीजनल पार्टीज़ के साथ, उन इलाकई पार्टियों के साथ जाने की आज बातचीत हुई है और उसी की तरफ लोगों का, हमारे एक्सपर्ट्स का जहन रहा है। तो हम उसी के तर्ज पर हम काम कर रहे हैं कि कौन फ़िरका परस्त ताकतों को इख्तदार से दूर रख सकता है, उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।